श्री संत गजानन महाराज पालकी दिंडी यात्रा नागपुर से रामटेक तक निकाली जा रही है, जिसका आगमन मंगलवार सुबह 9 बजे नागपुर शहर के शांतिनगर परिसर में नीलेश भंडारकर इनके निवास पर हुआ। एनआईटी के ट्रस्टी मोहन मते, क्षेत्र के नगर सेविका आभा पांडे, नगर सेविका अभिरुचि राजगिरे सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गजानन भक्त उपस्थित थे। विदर्भ के पंढरी के रूप में विख्यात शेगांव के श्री संत गजानन महाराज की पालकी श्री संत गजानन महाराज सेवा समिति की ओर से नागपुर से श्री क्षेत्र रामटेक तक पैदल दिंडी यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंगलवार को शांति नगर में इस पालकी का सर्वप्रथम विधि विधान से पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पालकी का अनेक स्थानों पर भी फूलों से स्वागत किया गया। इस दौरान पालकी में उपस्थित वारनकरियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था नीलेश भंडारकर इनके परिवार द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि श्री संत गजानन महाराज की पालकी विगत 55 वर्षों से प्रतिवर्ष श्री क्षेत्र के लिए निकलती है। इस दौरान पैदल दिंडी यात्रा का मार्ग में भव्य स्वागत किया जाता है। मंगलवार को आयोजित पालकी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में गजानन भक्तों की उपस्थिति देखी गई। जय जय सच्चित स्वरूप स्वामी गणराया, स्वामी गणराया, अवतर लासी भूवर जड मूढ़ ताराया, जय देव जय देव, जय जय सच्चित स्वरूप स्वामी गणराया, स्वामी गणराया, अवतर लासी भूवर जड मूढ़ ताराया, जय देव जय देव। एनबीसी न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित हरोडे।